हेलो स्टूडेंट्स मैं हूँ सिलकेशा मैडम आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे डी बी एम एस में नॉर्मलाइजेशन तो चलिए शुरू करते हैं नॉर्मलाइजेशन पहले तो हम लोग डेफिनेशन देख रहे थे व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ नॉर्मलाइजेशन नॉर्मलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द डेटा इन डेटा बेस तो ये क्या करता है डेटा को ऑर्गेनाइज करता है किसमें डेटाबेस में फिर क्या करता है मिनिमाइजिंग द रिडेंडेंसी इन रिलेशन मिनिमाइजिंग द रिडेंडेंसी रिडेंडेंसी का क्या था रिडेंडेंसी मतलब रिपीटेशन जो रिपीट होता है जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा रिपीटेशन और रिलेशन में मतलब टेबल में फिर डिवाइड्स द बिग डेटा इनटू स्मॉल टेबल्स वो क्या करता है बहुत बड़े डेटा को स्मॉल टेबल्स में डिवाइड करता है अभी यहाँ पर हम लोग देखेंगे नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन तो नीड में हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पर तीन टाइप्स की एनोमलीज है पहला तो है अपडेट इंसर्ट और डिलीट तो चलिए शुरू करते अपडेट अनोमली से अपडेट अनोमली में हमारे पास ये टेबल है एम्प्लॉय टेबल एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास एम्प्लॉय आई डी एम्प्लॉय नेम एम्प्लॉय सिटी और एम्प्लॉय डिपार्टमेंट uh, ये चार कॉलम्स हैं तो एम्प्लॉय है वन डबल ज़ीरो वन सूरज जो कि है पुना से uh, और एच आर डिपार्टमेंट में काम करते हैं फिर वन डबल जीरो टू सूरज पुना से और सेल्स डिपार्टमेंट में तो एक ही एम्प्लॉय जो है वो एच के लिए और सेल्स के लिए दोनों के लिए काम करते हैं अभी यहाँ पर क्या हो रहा है एम्प्लॉय चेंज द सिटी पुणे टू मुंबई तो एम्प्लॉय क्या हो रहा है इनका जो सिटी है वो पुणे से मुंबई हो गया है अभी उन्होंने क्या किया है यहाँ पर जो पुणा है जो पुणा है वो मुंबई हो गया है अभी तो उन्होंने क्या किया सेल्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर दिया सो इट गॉट अपडेटेड इन सेल्स पुणे से मुंबई चेंज हो गया बट वैल्यू एट एच आर रिमेन्स द सेम इन पुणे पर ऊपर जो फर्स्ट वाला जो रो है वहाँ पर पुणे ही रह गया वहाँ पर चेंज नहीं हुआ है तो इसे हम लोग कहते हैं इनकंसिस्टेंसी जो कि है वो अपडेट एनोमली पे अपडेट एनोमली चेंज इन वन रो नीड्स टू चेंज इन ऑल अदर रोज तो एक रो में अगर चेंज हो गया तो सारे रो में चेंज होता है तो इसलिए ये हो गया अपडेट एनोमली दूसरा हम देखते हैं इंसर्ट एनोमली इंसर्ट एनोमली में uh, वो सेम टेबल है यहाँ पर हमारा एक रो ऐड हो गया है वन डबल जीरो थ्री जो कि है आकाश जयपुर से और इनका डिपार्टमेंट दिया नहीं है तो अगर दिया नहीं है तो तो वो तो नल हो गया इफ़ द डिपार्टमेंट कांट एक्सेप्ट द नल देन इट इज़ इंसर्ट एनोमली अगर वो डिपार्टमेंट नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकता है तो ये इंसर्ट एनोमली हो जाती है और आखिर में हम लोग देखते हैं डिलीट एनोमली डिलीट एनोमली के लिए हमने और एक रो ऐड कर दिया है वन डबल ज़ीरो फोर एम्प्लॉई है प्रिया और सिटी है नोएडा और ये है अकाउंट डिपार्टमेंट से अगर ये डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया इफ द एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अकाउंट गॉट क्लोज अगर ये डिपार्टमेंट ही क्लोज हो गया तो क्या हो जाता है यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये पूरा रो डिलीट हो जाता है डिलीट और मिली क्या कहता है इफ़ यू डिलीट अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट देन एम्प्लॉय रिकॉर्ड गेट्स डिलीटेड ये पूरा के पूरा ही रिकॉर्ड मतलब uh, ये ये पूरा रो ये जो है वो डिलीट हो जाता है अगर ये अकाउंट डिपार्टमेंट डिलीट हो गया तो नॉर्मलाइजेशन अभी हम नेक्स्ट uh, वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे तब तक के लिए थैंक यू कीप वॉचिंग